शैतान निलाई निरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिलकुलूब बिल अज़मते वाहतजबान अलबसार बिल इज़्ज़ते वक्त दराल अलअशिया बिल कुदरते वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिना व तबीब नुफूसना व शफी ज़ुनूबना बिल कासिम मुहम्मद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम हुसैन हरारतन फी कुलूबिल मोमिनीन लन तब्रदा अबदा बर मोहम्मद आल मोहम्मद सलावात। जैसा कि आप तमाम साथी जानते हैं कि जो हमारा मौजू गुफ्तगू है आज़ादारी तारीख़ के हवाले से, आज़ादारी मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला के नाम से ही ये गम जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे समझना चाहें अदवार के एतबार से, ज़मानों के एतबार से, हम इसे तीन हिस्सों पे तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला वो हिस्सा जो इमाम मज़लूम की विलादत से भी पहले का है, दूसरा दौर मौला की विलादत के बाद, और आज़ादारी के हवाले से तीसरा दौर जो है वो मौला की शहादत के बाद। जैसे ही हम कहते हैं कि मौला की विलादत से पहले, खुद इस आज़ादारी की अहमियत यहीं से वाज़े हो जाती है, क्योंकि आपकी विलादत से जो पहले दौर है, जो आज़ादारी बरपा करने वाले हैं, वो माशरे के आम अफराद नहीं बल्कि अंबिया हैं। मौला की विलादत से हज़ार हाँ साल पहले इस कुरे अर्ज पे मौला की इन खिदमात को, खुदा की राह में इस कुर्बानी को याद किया जाता रहा। आप जब रिवायात का मुताला करेंगे तो आपको आज़ादारी के हवाले से एक चीज़ नहायत ही वाज़े तौर पे मिलेगी, वो ये कि जनाबे आदम अला नबीना व आलिही व आलिही सलाम जब रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करना चाह रहे थे तो जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके उन्हें कुछ नामों की तालीम दी और कहा कि पाक परवरदिगार से जब आप तौबा तलब करें तो इन नामों का वास्ता दें।
जनाब आदम फरमाते हैं, ये रिवायत बिहार उल अनवार की जिल्द नंबर 44 में मौजूद हैं कि जनाब जिब्राइल ने ये नाम तालीम फरमाए, आपने रब्बुल इज़्ज़त को वास्ता देना शुरू किया। जब पांचवें नाम को आपने लेना चाहा, आपकी ज़बान पे ये नाम आया तो आपकी कैफियत अजीब हो गई, गमगीन हो गए और ऐसे गमगीन हुए कि गिरिया करना शुरू कर दिया। जब आपने गिरिया शुरू किया तो उस वक्त आप जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें मुखातिब करके कहा, जिब्राइल मुझे समझ नहीं आती कि चार मैंने नाम लिए, उनका वास्ता दिया रब्बुल इज़्ज़त का को उन नामों का, तो मुझ पे ये कैफियत नहीं थी, लेकिन मेरी ये कैफियत जब मैंने पांचवा नाम लिया मुझसे रहा ही नहीं गया, खुद ब खुद मेरी तबीयत गमगीन हो गई और ऐसी गमगीन हुई कि मेरे आंसू जारी हो गए। इसमें क्या राज है? तो जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो हस्ती हैं जो रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान हो जाएगी और ये फरजंद रसूल हैं। फिर जनाबे जिब्राइल ने कर्बला के मसाइब जो अभी वाक़े नहीं हुए ज़ाहरी तौर पे, वो सब बयान किए। रिवायत में है कि जनाब जिब्राइल बयान करते जा रहे थे, जनाब आदम गिरिया करते जा रहे थे और साथ साथ जनाब जिब्राइल भी गिरिया कर रहे थे। और गिरिए का अंदाज़ क्या था? गिरिए का अंदाज़ ये था कि रिवायत में जिस तरह बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे गिरिया करती है, उस तरीके से गिरिया औजारी ये दोनों हस्तियां कर रहे थे। इन चीज़ों में जिसको आपने समझना है, क्योंकि आप माशरे के उन अफराद में से हो, कल को जाके आपने उनकी रहनुमाई करनी है, उन्हें दीन से आगाह करना है, उन्हें हकीकत को बताना है, इस तरफ ज़रूर उनकी तवज्जो दिलाएं। कब होगी तवज्जो? जब आप गुफ्तगू में इन जुमलात को शामिल करेंगे कि जो वाकया जहरी तौर पे हुआ नहीं है लेकिन उसकी गुफ्तगू हो रही है, जिससे मरबूत है, उसकी विलादत भी अभी हजार हाँ साल के बाद होनी है, फकत नाम जो है उसका असर इतना है कि उस ज़माने की जो अजीम तरीन हस्ती है, क्योंकि हर दौर का जो भी मासूम है अंबिया में से, मुरसलीन में से या आइमा, वो उस वक्त का सबसे कामिल तरीन फ़र्द है, बेहतरीन फ़र्द है हर एतबार से। एक इंसान की जितनी भी खूबियाँ हो सकती हैं, जितनी अच्छी सिफात उसमें हो सकती हैं, वो कामिल तरीन सिफात का मालिक कौन होता है? वो रब्बुल इज़्ज़त का नुमाइंदा। उसके दिल पे कोई बात अगर मामूली बात हो असर करेगी ही नहीं, गैर मामूली बात होगी जो उसे हिला के रख देगी, और वो भी इस तरीके से कि वो गिरिया ना चाहते हुए, क्योंकि जनाब आदम ने तो कोई नहीं चाहा गिरिया करे, खुद उनका बयान ये है कि ना चाहते हुए मैं गमगीन भी हो गया, आंसू भी मेरे बहना शुरू हो गए। तो आज़ादारी मज़लूम को समझने के लिए यही काफ़ी है, जो वाक़या अभी रूनुमा हकीकत में नहीं हुआ वो इतना असर रखता है, लेकिन असर जो रिवायत मैंने रसूलल्लाह की आपके सामने बयान की, बहुत ही मारूफ़ रिवायत है, हमारे यहाँ बयान भी बहुत की जाती है, और ये रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद मोहम्मद, ये आपके और मेरे मौला व आका ने अपने जद रसूलल्लाह से रिवायत की है। इन्ना
خود معصوم کے جو الفاظ ہیں، الحمدللہ میں بہت سی کلپس دیکھتا رہتا ہوں، یا جو لوگ آپ کی تربیت کرتے ہیں سب کے سب انتظامیہ سب الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے، تو خود یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ پہلے سمجھتے ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کی ٹیم جو کر رہی ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، آپ لوگوں کو اور مجھ حقیر کو بھی اس قابل بنائے کہ ہم کسی کام آ سکیں۔ تو جو چیزیں آپ کو معاشرے کو سمجھانی ہیں، ایک ایک چیز کو سمجھائیں، پہلے ہم خود سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں، جب تک خود نہیں سمجھیں گے انہیں نہیں سمجھا پائیں گے۔ معصوم کوئی بھی جب گفتگو کرتے ہوئے بات کرے گا، معصوم میں اور آپ، دن میں فرض کریں ہم نے 100 جملہ بولا، کام کا ممکن ہے ہمارا جملہ 100 میں سے 10 جملے بھی نہیں ہوں، 90 ہمارے جملے کسی کام کے ہی نہیں ہوں۔ معصوم کی گفتگو میں ایک حرف بھی اضافی نہیں ہوتا، اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور ایک ایک جو وہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جس جگہ استعمال کرتے ہیں، اس سے مزید کوئی خوبصورت نہ انداز نہ جگہ اس کلمے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم جب کہے لفظ انہ سے شروع کرے، یعنی باتحقیق، دوسرے معنی اس کے کیے جاتے ہیں بے شک، اس میں شک نہ کرنا، اور معصوم بھی کون، کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی، انبیاء کے بھی سردار، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ یہ فرما رہے ہوں جو وحی الہی کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ یہ جب آپ گفتگو کرو تو بتاؤ عوام کو، انہیں معلوم ہے، لیکن گفتگو کو بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے آپ کی میری ذمہ داری ہے، انہیں کہیں کہ دیکھو یہ کلمات، یہ قول کسی عام فرد کا نہیں ہے، اس ہستی کا ہے جو انبیاء کے سردار ہیں، جو بغیر وحی کے گفتگو نہیں فرماتے، اور جن کا ہر لفظ بامعنی ہے، کسی چیز کو اضافی، کسی چیز کو کم، بلکہ بہترین جو انداز ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ شروع کس طرح کر رہے ہیں سرور کائنات، انا لقتل الحسین حرارتن، مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ایک خاص حرارت ہے، جذابیت ہے، اور وہ کیسی ہے کہ وہ قلوب مومنین میں ہے، یعنی جو جتنا اس ایمان کی منزل کو طے کرتا جائے گا اتنا یہ حرارت اس میں کامل ہوتی جائے گی۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں جناب آدم سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہے، تو لہذا جتنا اثر جناب آدم کے قلب پہ یہ بات کرے گی، اثر کرے گی، اتنا کسی اور کے قلب پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوگی۔ جس طرح ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا، اثر بڑھتا جائے گا۔ اب ان کے قلب پہ اثر کیا کس نے، نام نے، ان کی پاکیزگی اتنا ہے کہ وہ اس دور کے تمام انسانیت کو پاکیزگی سے آراستہ کرنے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل، کیا راز ہے؟ جناب جبرائیل نے مصائب پڑھنا شروع کیے، تو آزاداری کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب آدم کے دور سے، مولا کی ولادت سے ہزارہا سال پہلے۔ اور گریہ، آخر میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ گریہ کا انداز یہ ہے جیسے ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پہ گریہ کرتی ہے، اس طرح دونوں ہستیاں گریہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور جو روایت ہے، جناب موسیٰ پیغمبر علی نبینا وآلہ وآلہ السلام مآلیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، کنزہ حسن صاحبہ کو نیچے بلا رہے ہیں، وہ نیچے تشریف لے جائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
सूरह सित्तैन की जिल्द नंबर एक सफ़ा नंबर 186 उस पर ये रिवायत मौजूद है कि खुद रब्बुल इज़्ज़त जनाब मूसा के बारे में आप जानते हो ना क्या थे, अंबिया में से ये वो हस्ती हैं जो परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करते थे, सब गुफ्तगू करते थे लेकिन बीच में वास्ता होता था। इन्हें कहा जाता है कलीमुल्लाह, वो जो रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करते थे। तो रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा जनाबे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, जब बयान किया तो जनाबे मूसा गिरिया करने लगे और जनाबे मूसा ने कहा कि बारे इलाह इस हस्ती पे इतना जुल्म होगा, ये हस्ती है कौन? कहा ये मेरे आखिरी पैगंबर के और उनकी बेटी के फर्जंद हैं। कहते हैं जनाबे मूसा ने इतना गिरिया किया कि आपकी रीश मुबारक भीग गई और आंसू सामने ज़मीन पर टपकने लगे। जनाब मूसा पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह हैं और इस वक्त जिक्र करने वाली ज़ात कौन है? ज़ाते हक रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। खालिक ने मौला हुसैन को एक जगह पे नहीं कई जगहों पे खुद खालिक ने मौला का जिक्र किया है। मैं मुतमईन हूँ आप तमाम साथी जानते होंगे, आपके असातिज़ा ने आपको बताया होगा ज़ियारत आशूरा के बारे में आप जानते हैं, ये हदीस कुदसी है, किसी के अल्फाज किसी और के नहीं हैं, कुरान नहीं है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। ये हदीस कुदसी है ज़ियारत आशूरा, उसकी अहमियत को समझें। और उसी के अल्फाज जो आप जब भी ज़ियारत पढ़ते होंगे इंशाल्लाह आप हर रोज़ इसकी तिलावत करते होंगे, नहीं तो इन अय्याम में तो आप तिलावत करते ही हैं कि वजल्लत व आज़मत दिल मुसीबा बेका अलैना व अला जमी अहले इस्लाम, कि आपकी ये जो आप पे ये जो जुल्म किया गया है, आपकी ये जो शहादत है, आपके ये जो मसाइब हैं वो फ़कत हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम अहले इस्लाम के लिए सबको दुख देने वाले हैं, सबको तकलीफ होने वाली है। इससे मेरे एतबार से खालिक ने वाज़े एक बयान दिया है कि देखो अहले इस्लाम में शामिल ही वही है जो मेरे हुसैन का आज़ादार है, जिसे इस आज़ादारी से जिसका रिश्ता नहीं है वो हकीकत में इस्लाम से उसका कोई रिश्ता नहीं है। ज़ियारत आशूरा के ये अल्फाज नहायत ही वाज़े हैं और दूसरे मकाम पे आप इसी के साथ ही तिलावत करते हैं वजल्लत व आज़मतिल मुसीबा बेका अलैना व अला जमी अहलिस समावात, यानी फ़कत इस दुनिया के रहने वाले नहीं बल्कि आसमान पे जो खालिक की मखलूक है, फरिश्ते हैं, अर्शियान हैं, वो सब के सब भी इससे गमगीन हैं, वो भी सब के सब क्या हैं? आज़ादार हैं। तो आप इसको देखें कि तारीख़ के एतबार से इब्तदाए इंसानियत से ज़िक्र हुसैन मौजूद है और ज़िक्र जहाँ है वो आज़ादारी ही है। मौला हुसैन की बहुत से मौजज़ात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपको इस तरह नहीं मिलेंगी लेकिन उनकी आज़ादारी मिलेंगी। उसके बाद की जो रिवायत है जिसे मैंने यहाँ लिखा है एहतजाज तबरसी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 529, जनाबी ज़करिया अंबिया में से जनाबी जिब्राइल ने उनके सामने इन पंजतन पाक के नाम लिए, जब सुने तो उन्होंने भी अपनी ज़बान पे इन्हें तकरार करना शुरू किया, जब मौला हुसैन के नाम पे पहुँचे गिरिया करने लगे और कहने लगे जिब्राइल जब मैं वो पहले नाम लेता हूँ तो मेरी कैफियत कुछ और होती है, मेरे जो गम हैं वो गम मेरे उनका मुदावा हो जाता है, मैं रसूल अल्लाह का नाम लेता हूँ, पैगंबर अकरम का नाम लेते थे तो रहमतुल्लाह आलमी ने कहा कि वो मेरा जो गम अगर ज़िंदगी में कोई है तो कम हो जाता है। मौला अली का नाम लेते हैं
गम कम हो जाता है। जनाबे फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद नाम लेते हैं कम हो जाता है, हत्ता मौला हसन का नाम लेते हैं तो गम का मुदावा हो जाता है, लेकिन जब मैं ये हुसैन का नाम जबान पे लाता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता, बेइख्तियार मैं गिरिया करने लगता हूं। तो कहा कि ये आपके जो सरदार हो सैयद व सरदार हैं, रब्बुल इज़्ज़त के जो आखिरी पैगंबर हैं, ये उनके और उनकी दुख्तर के लाल का नाम है। जनाब जिब्राइल ने फिर पढ़ना शुरू किया कि इन्हें बहुत बेदर्दी से मारा जाएगा, ये बे यार मददगार होंगे, ये भूखे प्यासे होंगे। कहते हैं जनाब ज़करिया ने इस रिवायत में है कि तीन दिन मुसलसल गिरिया करते रहे, और गिरिया भी कैसा, जो उनकी इबादत गाह थी जहां वो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा करते थे, तीन दिन उसी मकाम पर रहे, किसी से मुलाकात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ गिरिया करते रहे। तीन दिन गिरिया करना, जिन चीज़ों की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, तीन दिन गिरिया करने का मतलब क्या है, बाहर ना आना, किसी से मुलाकात ना करना। अच्छा, वो जिससे भी मुलाकात करते थे किसके लिए करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उनका तो हर 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 सानिया खालिक के हुक्म के मुताबिक था, किसी से मुलाकात करना, खालिक का पैगाम देना, तबलीग करना, रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाना, वो सब इबादत थी और उनकी ज़िम्मेदारी भी वही थी। लेकिन आया वो अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के इस काम को अंजाम दे रहे थे, नहीं, खालिक की मर्ज़ी के अलावा अंबिया कोई काम नहीं करते। तो इसका मकसद है, जब ये सुना खालिक की मर्ज़ी यही थी और ये आज़ादारी ऐसी थी कि जनाब ज़करिया को उस वक़्त लगा कि तमाम कामों पे इसकी अहमियत ज़्यादा है, और तीन दिन तीन रातें मुसलसल इबादतगाह में रहे, किसी से कोई मुलाकात नहीं की और गिरिया करते रहे। गिरिया कहाँ इतना बढ़ गया कि आपकी रीशे मुबारक का तो कई जगहों पे है कि वो भीग गई, कहा कि हत्ता आपका जो सीना अतहर था उस पर भी आपके आंसू गिरने लगे। तो जितना मार्फत होगी उतना गिरिया होगा। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ, जितना मार्फत और जितना मोहब्बत, इसको अगर आप देखना चाहें, कभी किसी का कोई अजीज तरीन दुनिया से गया हो, जितना वो गिरिया करेगा हमसाए उतना गिरिया नहीं करेंगे, जितना वो गिरिया करेगा दोस्त उतना गिरिया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जितना रिश्ता है इतना किसी और का नहीं है, और इसी तरह मौला हुसैन का जितना अंबिया से रिश्ता है तो वो समझते हैं, उनको मार्फत है, उन्होंने इस तरीके से गिरिया किया है। और इसके साथ साथ जनाबे ईसा के बारे में भी बिहारुल अनवार से जो रिवायत है वो मौलाए कायनात से है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम, एक दिन आप अपने असहाब के दरमियान बैठे थे, असहाब ने देखा आप गमगीन हैं, कहा मौला क्या हुआ, कहा मुझे आज जनाब ईसा का रोना याद आ रहा है, कहा जनाब ईसा का रोना, कहा मेरे फर्जंद पे रोना, कहा जनाब ईसा अपने हवारियों के साथ यानी अपने साथियों के साथ अपने असहाब के साथ नए नवा से उनका गुजर हुआ, नए नवा करबला का एक नाम है आप सब जानते हो, वहाँ से जब गुजर हुआ तो जनाब ईसा करबला की ज़मीन पे बैठे और गिरिया शुरू कर दिया, इतना गिरिया किया कि हवारी उनको देख के उनके असहाब भी रोने लगे। लेकिन उन्होंने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के बरगुजीदा, आप इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो जनाब ईसा ने कहा इस सरजमीन पे मेरे बाद जो खुदा के आखिरी नबी और हमारे सैयद व सरदार आने वाले हैं
वो और उनकी बेटी फातिमा का फर्जंद मजलूमाना तरीके से इस सरजमीन पे उन्हें शहीद किया जाएगा। अब मैं आप साथियों को जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि वो इन मंजर को देख रहे थे, तो इसका मकसद ये जो वाक़ है ना, ये आम वाक़यात की तरह नहीं है। जो वाक़ अभी रूनुमा नहीं हुआ उसको देखना आपका और मेरा काम नहीं है, और हमारा अकीदा और ईमान है कि ये सब देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। तो इस वाक़े की असलन कुदरत और ताकत ही कुछ और है, जिसको हम आम अफराद के अजहान समझ ही नहीं सकते। सीधी सी बात है, जो वाक़ हुआ ही नहीं है उसको अंबिया उस सरजमीन से गुजर रहे हैं, उस वाक़े का असर होने से पहले है। अभी करबला की सरजमीन पे मौला हुसैन को शहीद नहीं किया गया, लेकिन उस करबला उस जमीन के दामन में आज भी गम, उस वक्त भी हजारों साल पहले वो गम बाकी है। ये मौला की विलादत से पहले अंबिया से मरबूत है ये आज़ादारी, और इनमें से बहुत सी रिवायात हैं जो हमारे बाकी जो मकातब फिक्र हैं उनके पास भी मौजूद हैं। और मौला की विलादत के बाद की रिवायात तो जो हम बयान करते हैं हमसे ज़्यादा उनकी किताबों में है। सबसे पहले विलादत के बाद जो आज़ादार हैं वो सरवर कायनात हैं। जब रसूलल्लाह को इतला मिली कि रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी साहबजादी को इस फर्जंद से नवाजा है, आप घर तशरीफ ले आए, जनाब अस्मा से कहा कि मेरे फर्जंद को ले आओ। जनाब अस्मा कहती हैं कि मैंने एक सफ़ेद पारचे में उनको लिया, रसूलल्लाह की खिदमत में लेके गई। रसूलल्लाह ने, यानी ये रसूलल्लाह की ज़ाहरी तौर पे पहली मुलाकात है, सीधे कान में आज़ान दी जनाब अस्मा कहती हैं और उल्टे कान में अकामत कही। उसके बाद बोसा लिया, बोसा लेते हुए कहा मैंने देखा रसूलल्लाह के चेहरे पे खुशी के आसार हैं। तो यकीनन मैंने कहा कि ऐसे मौके पे इंसान खुश होता है। कुछ ही लम्हों में मैंने देखा कि आंसू जा रही हैं, मैंने ताज्जुब किया और मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, खुशी का मौका है आपका खुश होना तो बनता है। और गिरिया वो भी इस अंदाज से, यानी गिरिया बज़ाहिर ऐसा था कि आपके लिए ताज्जुब आवर था, कहा गिरिया वो भी इस अंदाज से। कहा अस्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब जब मैंने प्यार किया और वो मुस्कराहट तो मेरे चेहरे पे और मेरे लबों पे थी, जिब्राइल ने आके मुझे खबर दी कि आपके इस फर्जंद को बहुत ही बेदर्दी से आपकी उम्मत मारेगी, तीन दिन का भूखा और प्यासा मारेगी। कहा वो सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गिरिया करते रहे, जनाब जिब्राइल ने जो कहा जनाब अस्मा को बयान करते रहे, और आखिर में पता है क्या कहा, कहा अस्मा मेरी बेटी फातिमा को खबर ना देना। मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बेटी को ना बताना। लेकिन अजीब है ये तारीख, बात की रिवायात में है, अब घर में आना है, फरजंद को हाथों पे लेना है, एक दफ़ा नहीं जिब्राइल ने कई दफ़ा आके मसाइब पढ़े हैं। एक और मौके पे रसूलल्लाह अपने हाथों पे लेके बोसे ले रहे हैं मौला हुसैन के, जनाब जहरा देख के बाबा को खुश है कि मेरे बाबा खुश है मेरे फरजंद को लेके, दुआ दे रहे हैं, एकदम रोना शुरू किया और ऐसा रोए जनाब जहरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा बाबा रोने की क्या वजह है, तो अब रसूलल्लाह ने खुद मसाइब पढ़े, कहा मुझे जिब्राइल ने खबर दी है तेरे इस फरजंद को नए नवा में मेरी ही उम्मत इस बेदर्दी से कत्ल कर देगी।
मौला कायनात का क्रिया करना। मौला कायनात इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इब्ने अब्बास कहता है कि जब हम सिफीन के मार्के से पलट रहे थे, जंग सिफीन से जब पलट रहे थे, हम जब इस करबला की सरजमीन पे पहुंचे तो मैंने देखा कि मौला ने पड़ाव डालने को कहा, लश्कर को रोक दिया गया, सवारियों से हम नीचे आए, लेकिन मैंने देखा मौला बहुत गमगीन है, गिरिया कर रहे हैं। इब्ने अब्बास कहता है, मैंने कहा मौला गिरिए की वजह? कहा इब्ने अब्बास, जो मार्फत इस जमीन के बारे में मुझे है, अगर तुम्हें होती तो तुम भी जरूर गिरिया करते। मैंने कहा मौला ऐसी कौन सी बात है? इब्ने अब्बास कहते हैं कि मौला ने मुझे कहा मेरे फर्जंद हुसैन को इस सरजमीन पे मारा जाएगा। फिर मौला ने उन वाकयात को बयान करना शुरू किया। इब्ने अब्बास कहते हैं मुझसे रहा ना गया, मैंने भी मौला के साथ गिरिया किया। लेकिन मौला के जो आखिरी जुमले हैं वो अजीब हैं। कहा रोते रोते आखिर में मौला ने कहा, वाए हो तुम पर अबू सुफियान, तुम्हें मुझसे क्या? वाए हो तुम पर आले हर्ब, तुम्हें मुझसे क्या? फिर गिरिया किया। जब आप गिरिया कर रहे थे तो इब्ने अब्बास कहते हैं एक जुमला कहा या अबा अब्दुल्ला, यानी मौला हुसैन को मुखातिब कर रहे हैं सिफीन में रोक के। मौला हुसैन उस वक्त, अभी ये वाकया ज़ाहरी तौर पे वाकया नहीं हुआ, कहा कि या अबा अब्दुल्ला सब्र करना, तुम पे जो मजालिम हूँ इन पे सब्र करना, तुम्हारे बाबा पे भी इसी तरह के जुल्म ढाए जाएंगे, और यही आले शैतान और आले कुफ्र ये करेगी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि एक दिन मैं बैठी थी, बाबा ने मुझे मेरे फर्जंद हुसैन की शहादत की खबर दी। आप जब तारीख को देखोगे उसमें भी आपको कई बार ये वाकयात मिलेंगे, रिवायात में एक नहीं मुतअद्दिद आपको बार ये वाकयात मिलेंगे। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा रसूलल्लाह ने खुद मसाइब पढ़े हैं। पढ़ने वाले रसूलल्लाह हैं, गिरिया करने वाले जनाब ज़हरा की ज़ात हैं। वो जिनका कोई लम्हा इबादत के बगैर होता नहीं है, खुदा के हुक्म के बगैर गुजरता नहीं है, ये गिरिया कभी भी उन्होंने, मेरा ईमान है, अपनी ज़ात के लिए नहीं रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से किया है, क्योंकि उनका अंदाज यही है, वो अपनी ज़ात को खुदा की राह में कुर्बान करने वाले हैं। तो बीबी कहती हैं कि मेरे बाबा ने वो सारे मसाइल बयान किए और कहा ज़हरा तुम्हें मालूम है कि ये वाकया कब रूनुमा होगा? मैंने कहा बाबा कब होगा? कहा जिस वक्त मैं नहीं होऊंगा, जिस वक्त तुम नहीं होगी, जिस वक्त इसके बाबा अली और भाई हसन नहीं होंगे। बीबी ने रो के कहा कि बाबा मेरे हुसैन का कोई नहीं होगा। वो जो रिवायत है वो यही रिवायत है कि बीबी ने उस वक्त जब बाबा से कहा कि कोई नहीं होगा, कहा रब्बुल इज्जत रसूलल्लाह ने खबर दी उस उम्मत की जो तेरे फर्जंद का गम मनाएगी। हम जितना भी रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कम है। मैं इस मकाम पे हमेशा रिवायत के पहुंच के कहता हूँ खालिक व मालिक तेरे इसी करम का हम कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते कि तूने उस उम्मत में हमें करार दिया जो तेरे हुसैन को रोएगी। उस वक्त इस उम्मत की खबर दी, जब खबर दी आपको मालूम है बीबी ने रो के कहा बाबा इस उम्मत की शफात मैं करूँ, इस उम्मत की शफात मैं खुद करूँगी। तो मौला की विलादत के बाद भी ये मुसलसल ये वाकयात
रूनुमा होते रहे, रिवायात में हमारे पास ये सारी चीज़ें आज भी महफूज हैं, और वो रिवायत हैं जो मोतबर रिवायात हैं, जिन्हें उलमा ने हमेशा बयान किया है। आप देखें कि विलादत के बाद ये वाकयात इस तरीके से रूनुमा हुए और हम तक रिवायात की सूरत में इस तरह पहुँचे। अब तीसरा मरला जो है, तीसरा दौर जो है मौला की शहादत के बाद, उस आज़ादारी के बारे में कोई बयान ही क्या कर सकता है। अभी तक ये था कि ऐसा होना है, उसमें गिर गया था, अब वो हो चुका था। अब पढ़ने वाले कौन हैं, आज़ादारी मनाने वाले कौन हैं, अहले हरम हैं। अभी तक ये था कि प्यासा मारा जाएगा, अब प्यासा मार दिया गया। अभी तक ये था कि सर कलम किए जाएंगे, अब सर कलम हो चुके। अभी तक ये था कि मौला हुसैन के लाशे को घोड़ों की टापू से रोंदा जाएगा, अब रोंद दिया गया। वो भी किन के सामने, बहनों के सामने। बहनों को भाइयों से मोहब्बत होती है ना, इसको आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, और वो भी हुसैन जैसा भाई। सकीना का अकबर असगर जैसा भाई। अब अहले हरम की सारी वो आजादारी कहाँ हुई, वही जहां शहादत हुई करबला में। और अजीब है कि एक एक के लाशे को देखा, सब ने गिरिया किया, सब ने मातम किया, सब रोए। ओनो मोहम्मद के लाशे आए, सबने गिरिया किया। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हो, इतना तो साबित है कि ये लाशे आए। जब लाशे आए तो यकीनन गिरिया भी किया। सबने देखा जनाबे जैनब गिरिया नहीं कर रही, कभी भी आपके लाल का भाई भी कुर्बान कर दिए। लेकिन अकबर का लाश आया, जितना जैनब रोई उतना कोई नहीं रोया। कासिम के लाश में जितना जनाबे जैनब सलामुल्लाह अलैहा रोई और कोई नहीं रोया। रोके कहती थी ओनो मोहम्मद मेरे फजल थे, ये मेरे लाला रसूल अल्लाह के, ये मेरे मां जाहे के फर्जंद थे। असगर को उस हाल में देखा, आप उस रिवायत को सुनते भी हैं, उस मरसिए के उस जुमले को, वो मरसिया पढ़ने वाली कौन है, जनाबे रुबाब है। अब मिसलो का यो नहर, तेरे जैसे बच्चे, शीरखार बच्चे, 6 महीने के बच्चे को नहर किया जाता है, नहर करना। मसाइब पढ़ने वाली ये बीबियां हैं, सुनने वाली भी बीबियां हैं, आजादारी करने वाली भी बीबियां। नोके नेजा पे बाबा के सर को देखे, सैयद सज्जाद ने कैसे कहा होगा मुझे नहीं मालूम, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। फिर इसी के बाद अगले ही दिन जब अहले बैत अतहार को, अहले हरम को कूफा की तरफ कहा कैदी बना के ले चलें, तो जुल्म ये किया, कहा इन लाशों के करीब से गुजारो। वहां की जो मोतबर तरीन रिवायत वो यही है, जनाबे जैनब ने अपने आप को उस सवारी से गिरा दिया। जब गिराया तो हाथ तो पुश्ते गर्दन बंधे हुए थे। मैं इस मौके पे हमेशा जनाबे अब्बास को कहता हूं, आप बुलंदी से गिरे थे, आपके शाने कट चुके थे, सर में गुर्द लग चुका था, आप मुंह के बल गिरे थे, बोला देखे जनाबे जैनब सलामुल्लाह अलैहा को उस ऊंट के बगैर पलाल के ऊंट के उस बुलंदी से मुंह के बल गिरे। मुझे नहीं मालूम किस तरीके से इस लाशे को अपनी गोद में लिया होगा, और किसी और को नहीं, नाना को फरियाद की।
या रसूल अल्लाह, ये आपका फर्जंद, आप पे कहा सल्लल्लाहु अलैहि, आप पे दुरूद और सलाम हो, ये आपका हुसैन है, ये आपके दोष का सवार है। नाना देखिए मेरा भाई खून में लथपथ है, मेरे भाई के लाशे के टुकड़े हो चुके हैं, दाई की पसलियां बाएं भाई की दाई आ चुकी है, ये वही हुसैन है। और यहां बीबी ने सबको पुरसा दिया है, नाना रसूल अल्लाह को कहा, कहा बाबा अली ये आपका हुसैन, तीन दिन का भूखा प्यासा मारा गया है और आपके बॉक्स में इसे शहीद किया है। फिर मां फातिमा को मुतवज्जे होके कहा, मां इसे चक्कियां पीस के आपने पाला है, जो रेत और खून में इस वक्त अटा हुआ है। मुसलसल गिरिया, और बीबी ने फकत वहां थोड़ी, अगर हमारे पास कोई रिवायत ना भी हो, ईमानदारी से बताएं कि अहले बैत अतहार को असीर बना के जाया जा रहा हो, खुद बीबी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी नस्ल को काट दिया गया और आपकी बेटियों को इस वक्त असीर बना के ले जाया जा रहा है, किसी और के अल्फाज नहीं है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज हैं, कोई और इस वक्त मसाइब नहीं पढ़ रहा, जनाबे ज़ैनब पढ़ रही हैं। और मुखातिब किसे कर रही हैं, रसूल अल्लाह को, मौलाए कायनात को, अपनी माँ फातिमा तो ज़हरा को। और ये जुमले के देखें, खून में लथपथ है मेरा भाई। मुझे ये बताएं, अगर कोई भी रिवायत ना हो, इतना तो हमें इत्मीनान है, कब जब ये सर नोके नेजा पे लेके जाए जा रहे हो और अजीज साथ हूं, जिसके भी नजर इन सरों पे पड़ती होगी, सकीना जब असगर के सर को देखती होगी, मैं कहता हूं इसके लिए फर्ज करें, अगर हमारे पास रिवायत ना हो, इतना तो हमारा ईमान है कि गिरिया ही करते होंगे। हम शक्ल पैगंबर जनाब अली अकबर का जब चेहरा, जनाब सैयद सज्जाद जब अली अकबर को देखते होंगे, जब चचा अब्बास के सर को देखा होगा कि नोक के नेजा पे रुकता नहीं है, इतनी बार गिरा कि शिमरे मलून ने मकातल में है कि इस सर को रस्सी से बांध के अपनी सवारी के गले में डाल। और उलमा इससे एक इशारा ये समझते हैं कि उस बुलंदी पे ज़ैनब को नंगे सारा पास दे। ये आजादारी मुसलसल बरपा रही है। कूफा के दरबार में पहुंचे हैं, कूफा में पहुंचने से पहले गिरिया किया है, कूफा के दरबार में पहुंचे हैं वहां गिरिया किया है, कूफा में पहुंचते ही मुस्लिम के सर को देखा गिरिया किया है। आजादारी तो तमाम अदवार में रही है, और जिस तरह से अहले बैत ने मनाई है उस तरह तो हम में ताकत ही नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। शाम में गए हैं वहां आजादारी, ताकत तो कुदरत कितना है कि जो मरकज है दुश्मन का उसमें तीन दिन आजादारी की है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, और वो भी कैसी आजादारी, वहां भी जब मक्तल को हम देखते हैं, जब सर दिए गए तो सरों को हर बीबी कहते हैं कि अपने अपने, जिस बीबी के किसी का फर्जंद था उसने सर को लिया गिरिया किया, किसी का भाई था उसने गिरिया किया, सब गिरिया कर रहे थे, दो सर एक तरफ रखे थे। कहते देखने वालों ने कहा लगता है इनकी मां नहीं रही, जनाबे ज़ैनब ने रोका मैं इनकी मां हूं, कहा फिर इनके सर,
कब मां जाए का मुझे पुरसा देना है, इन्हें तो मैं कुर्बान कर चुकी। उस वक्त कैफियत क्या होगी बीबियों की, जो हमारे पास मुसल्लम रिवायत है, इस मलऊन ने मौला के सर को एक तश्त में रखा, शराब नोशी करता जा रहा था और मौला के ऊपर इससे बढ़ के मसाइब क्या होंगे अहले बैत अतहार के लिए, अहले हरम के लिए। और चूबे खैजरा लेके मौला के होंठों को जख्मी कर रहा है। एक सहाबी ने कहा मैंने रसूल अल्लाह को इन होंठों में बोसे लेते हुए देखा। शाम के बाद दोबारा करबला में आके फिर इन सब का आज़ादारी करना, करबला से मदीना आके आज़ादारी करना, और उसके बाद मौला सज्जाद का मुसलसल आज़ादारी करना। खाना लाया जाता है, गिरिया करते हैं, मेरे बाबा मेरे भाई हमारे असहाब को भूखा प्यासा मार दिया गया। बाजार में जाते हैं, किसी मुसाफिर को देखते हैं और अजीब सवाल करते हैं, कहते हैं कि लगते हैं तुम यहाँ मुसाफिर हो। कहाँ मुसाफिर हो। कहा ये बताओ मौत हक है। वो कहे मुसलमान हूँ, मौत हक है। कहा अगर यहाँ तुम मुसाफिर हो, यहाँ तुम्हें मौत आ जाए जहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं है तो क्या होगा। उसने कहा मौत आ सकती है लेकिन बिलाखरे मदीना में हूँ, मुसलमान है, मुतमइन हूँ, मुझे गौसल भी देंगे अगर कोई भी ना हुआ, कफन भी देंगे, मुझे दफन भी करेंगे। मौला रो के कहते थे करबला की तरफ देख के, बाबा कोई मुसाफिर जो आम फर्द है फिर गिरिया करते थे। कसाब की दुकान से गुजरते थे और एक वक्त ऐसा आया वो कपड़ा डालने लगे कि सैयद सज्जाद का गिरिया बर्दाश्त नहीं करते थे। पूछते थे ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया, वो कहते थे मौला आपके नाना की उम्मत में से हैं, एक दफ़ा नहीं तीन दफ़ा पानी दिखाया, फिर ज़िबा किया। करबला का रुख करते थे, बाबा मदीना में जानवरों को भी भूखा प्यासा ज़िबा। ये करबला के वाक़े के बाद की सब मसाइब व आज़ादारी हैं, तमाम आइमा में रही। इमाम बाकर की वो रिवायत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हज की सआदत नसीब करे। मौला ने बकायदा अपनी वसीयत में 10 साल के लिए माल रखा, माल 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 माल, कहा ये माल 10 साल तक मीना के मैदान में मेरे बाबा की आज़ादारी ज़रूर बरपा करना। मौला को मालूम था कि ये मरकज़ है, हज मरकज़ी इबादत है, तमाम मुसलमान मीना में जमा होंगे, मेरे बाबा की वहाँ आज़ादारी आज़ादारी, और कुछ नहीं कहा, कहा आज़ादारी। उसके लिए 10 साल की रकम को रख के गए, छोड़ के गए। यही आपके और मेरे मौला आका है, इन्होंने तो करबला अपनी आंखों से देखी ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने 4 साल का सन्न है उस वक्त। कुमैत असदी शायर है उस दौर का, उसे बुलाया करते थे, उसे कहते थे कि मौला हुसैन के लिए मरसिया कहो, वो मरसिया पढ़ता, मौला गिरिया करते थे और उसे अपने हाथों से नजर व नियाज दिया करते थे। उसके बाद आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर को देख लें, उस दौर में यही है कि उस दौर का जो शायर है इब्ने मकफूफ, वो मरसिया मौला के लिए पढ़ता था, मौला बुलाते थे, मौला तशरीफ़ फरमा होते थे फर्श अज़ा पे, वो मरसिया पढ़ता था, मौला गिरिया करते थे। इमाम रज़ा के दौर में देबल खुजाई उस वक्त का शायर है, मौला बेकायदा उसे बुलाते थे कि मेरे जद का मरसिया पढ़ो, वो मरसिया पढ़ता था, मौला गिरिया किया करते थे। तमाम अदवार में ये रहा, हत्ता इमाम ज़माना आज भी पर्दा गैबत में
अपने जद को क्रिया करते हैं, ज़ियारत नाहिया में आपने देखा है। ये मौला का फरमाना कि इतना क्रिया करूं कि खून आंसू की बजाय खून बहाऊं तो कम है, ये मौला का क्रिया। और अल्लाह पाक ने उसके बाद हमें इंतखाब किया कि हम अपने मौला की आज़ादारी करते हैं। आज़ादारी यकीन जाने वो है जिसने दीन का दिफा किया हुआ है। इस दीन की हिफाजत इसी आज़ादारी से। और आज़ादारी का अगर कोई आपको कहे मकसद, एक ही मकसद है आज़ादारी। आज़ादारी का मकसद आज़ादारी ही है। खुद ये रिवायत जो हमें बताती है कि रसूल अल्लाह कहें कि एक उम्मत आज़ादारी के ही हवाले से है। और आज़ादारी आपकी मेरी उसी तरह होनी चाहिए जो अहले बैत अतहार के वो है। ये जो कहा जाता है मकसद हुसैन, मकसद हुसैन, मकसद हुसैन, यकीन जाने हम पूरी कायनात के लोग सर जोड़ के, सारे फिलासफर्स, स्कॉलर्स, मुहक्किकीन बैठ जाएं, मकसद इमाम हुसैन वही है जो सैयद सज्जाद बयान करेंगे। अगर हम सब भी कहेंगे मिलके अपने इल्म के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक, अगर वो हमारी तहकीक और हमारा इल्म होगा, उनका फरमान वैसा ना होगा, हमारे अपने जहन की इख्तरा होगी तो वो नाकिस होगी, क्योंकि हम नाकिस हैं। अक्ल नाकिस जितना भी परवाज करेगी उसमें नक्स रहेगा, और मौला हुसैन के मकसद में नक्स नहीं हो सकता। मौला हुसैन के मकसद को देखना है तो करबला के बाद मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सलवात भेजे मौला की ज़ात पे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आप तमाम बेटियों से, तमाम मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से मेरी इल्तजा ये है कि मकसद इमाम हुसैन को आपको अगर समझना है और देखना है तो सैयद सज्जाद की सीरत को देखें। जो उनकी सीरत है करबला के वाक़े के बाद वही मकसद हुसैन है। जो भी उस सीरत में आपको मिले वही मकसद है, उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। उसके अलावा मेरा और आपका तो कोई मकसद हो सकता है, ज़ाहरी तौर पे हुकूमतों का कोई मकसद हो सकता है, चंद सियासी लोगों की कोई फिक्र तो हो सकती है। मकसद हुसैन वही होगा जो मकसद सैयद सज्जाद होगा। बाकी जितनी भी बातें होंगी वो नाकिस होंगी। मौला हुसैन का मकसद कभी नाकिस नहीं हो सकता। मासूम के मकसद को अगर देखना हो तो मासूम की ही ज़िंदगी को आप देखें, उसका मुताला करें और उसी को भी आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं, और रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि उस खालिक ने आपके दिलों में वो मोहब्बत इनकी डाली है कि आपको ऐसे मराकज में लेके वो खालिक आ गया है, उसने आपको चुन लिया है। अब आपको ये साबित करना है कि खालिक तूने चुना, तेरी ये जो नेमत है, ये जो हम पे करम है, इंशाअल्लाह ताला तू ही हमें कुव्वत देना, तू ही हमारी मदद करना, हम इस काबिल नहीं हैं, तू ही ताकत देना इस पैगाम को हम एहसन तरीके से आगे बयान कर सकें। मेरी दुआ है, मिलके हम सब दुआ करते हैं, बारे इलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, करबला वालों की मजलूमियत का। बारे इलाह जैसा तू चाहता है वैसे हमें सीखने समझने और उसी तरह बयान करने की ताकत इनायत फरमा। शर शैतान और अशरार के शर से महफूज फरमा। बारे इलाह जिन चीज़ों को हमें समझने की ताकत नहीं है और वो हमें कहीं गुमराही की तरफ ले जाने वाली हैं, हमें उनसे दूर फरमा। बारे इलाह अहले बैत की तालीमात से आरास्ता होने की तौफीक इनायत फरमा। उन्हीं तालीमात के साय में ज़िंदगी करने की तौफीक इनायत फरमा। ज़िंदगी में किसी भी काम को अंजाम देने से पहले उसके नतीजे की तरफ सोचने और फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। इस दुआ को बार बार रब्बुल इज़्ज़त से किया करें, किसी काम को भी अंजाम देने से पहले उसके नतीजे की तरफ सोचने और फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाह हमारे आका व मौला को हमसे राजी व खुशनूद फरमा, उनका ज़हूर पुर नूर जल्द फरमा, हमें उनके बेहतरीन आवारो आवानो अंसार में करार दे। रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उसके लश्कर के लिए चुन लिया है,
अब आप कोशिश करें कि जो उनके लश्कर में जो सिफात लाजिम है वो आपको मुझे हम सबको अपनानी चाहिए। इससे बेहतर ना कोई मनसब है, ना कोई गरोह है, ना कोई हिज्ब है। हिज्ब अगर है तो वक्त के इमाम का ही हिज्ब है और तमाम हिज्ब इससे पीछे है। और दुआ करें अल्लाह पाक हमें इस हिज्ब पे साबित कदम रखे। बर मोहम्मद ओ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।